सर आप देख रहे हैं सर शायद ट्यूब, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त ये सुबह सुबह की एक बड़ी घटना है, पटना सिटी चौक थाना अंतर्गत बदरू मियां, आप कह सकते हैं कि चौक शिकारपुर सीन करेंगे तो लोडी कटरा के रास्ते बीचों बीच में एक गैरेज, उस गैरेज में शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं या बैटरी के चिंगारी से एक टावर में आग लगती है। उस टावर के आगोश के साथ ही यहाँ पर पूरा टावर, और साथ में देखिएगा तो ई रिक्शा हवा हवाई का यहाँ पर गैरेज थी, लगभग 20 ई रिक्शा जलकर खाक में मिल गया। और साथ में एक यहाँ पर देखिएगा तो पार्षद की गाड़ी है, यहाँ के पार्षद हैं, उनकी गाड़ी भी जलकर खाक हो गई है। अब प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि ये टावर की जो लापरवाही होती है वो सामने आ रही है, वजह है ना ही ऑपरेटर और ना ही यहाँ गार्ड ताकि टावर को रख रखाव किया जा सकता है। एक बड़ी घटना है, आप कह सकते हैं कि सुबह 4 और 4:30 बजे के अंतराल में, और यहाँ जब देखिएगा तो सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। यहाँ पर जब देखिएगा तो टावर सिर्फ लोहा है और बाकी जो शेड है जो, और यहाँ जब देखिएगा तो ये ई रिक्शा का यहाँ पर स्थिति बिल्कुल खाक में तब्दील हो गया। और यहाँ पर तमाम जगह जब देखिएगा तो यहाँ पर जलकर खाक हो गई है। यहाँ पर भी एक ई रिक्शा थी और ई रिक्शा का नज़ारा जब देखिएगा तो रूप का पा देने वाली। यहाँ तमाम चीज़ जो भी गाड़ी यहाँ पर लगती थी, लगभग बता रहे हैं कि 20 गाड़ियाँ जलकर खाकों में मिट्टी में मिल गई है। इसका जवाबदेह कौन होगा, ये तो जांच का विषय है। फायर ब्रिगेड के 4 से 5 यूनिट आई है और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गई है। कुछ जिनका गाड़ी जो जली है वो उनका रो रो कर बुरा हाल है और खुद बता रही है कि हमारे घर पे बेटी की शादी है, उस ऐसी स्थिति में अगर उनका मेन कमाने खाने का जरिया ही सब कुछ नष्ट हो जाता है तो किनके आश्रित पर रहेंगे, क्या टावर कंपनी वाले उनके मुआवजा की भरपाई कर पाएंगे। हम तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाएंगे। पहले यहाँ का दृश्य देखिएगा तो ये सब मलबे में तब्दील है। यहाँ पर तमाम तरह की जो भी गाड़ियाँ जो यहाँ पर ई रिक्शा है ये जलकर खाक हो गई है। बीस मई को मेरे बेटी का शादी है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, जलकर राख हो गया। कहाँ से गरीब लोग खाएंगे भैया, यही एक रोजगार था, हम लोग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पर रहते थे हम लोग, गाड़ी में आग लगी, सब गरीब आदमी, सब गाड़ी वाला गरीब है, सब भाई, सब भाई गरीबी बाबू, सब गरीब बच्चा, सब गाड़ी चलाता था, ये लोग कहाँ से खाएगा, बालों से कैसे खाएगा, बोलिए आप लोग। गाड़ी जल चुका है तो इसका खर्चा तो हर जाना देना चाहिए ना, ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है टावर की वजह से, तो टावर वाले को सुरक्षित के लिए गार्ड रखना चाहिए था यहाँ पे सर। 200 नया गाड़ी जल के राख हो गया, देख लीजिए सब वीडियो कर लीजिए। हम कहाँ से भरपाई करेंगे, संचालक है मेरा, हम बहुत गरीब है, 20 मई को मेरी बेटी का शादी है, हम कहाँ से करेंगे, उसके बाद भी बिजनेस में आग लग गया टावर के शॉर्ट सर्किट से, हम यहाँ पे मर चुके थे, वहाँ पे गिर गए थे, लाइट कटा तो हम बाहर गए, शॉर्ट सर्किट से हम वहाँ पे आइट गए थे, अभी एक लाश निकलता अंदर से, लेकिन आग लग गया है, बैटरी है टावर का, बैटरी से आग लगा है, उसमें कई गाड़ी ई रिक्शा लगता था वो जल गया, हमारा कार था वो जल गया, वो तो मोहल्ले वाले के जागरूकता से लाइन उन काटा उन लोगों ने, नहीं तो कितना आदमी एक्सीडेंट कर जाता, सब लाइन उनका देखिए दीवार से गलत ढंग से, बिजली विभाग लाइट भी दिए हुए दूसरे में लटका के, तो मोहल्ला टावर तो प्राइवेट है, ये उसका था कंपनी आइडिया का, आइडिया कंपनी, और ये रिक्शा लगता है कोई ना, कोई इंतजाम है ना, कोई गार्ड है ना, कोई इंतजाम है उसका, जो का लाइट जो आ रहा है टावर का वो भी दूसरे के हमारे मकान से सट करके, और ये गलत ढंग से ये लाइट जा रहा है, कोई देख रेख नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, ना तो टावर वाले का है ना कोई देखने वाले का, कुछ नहीं, कोई इंतजाम नहीं है।
हम लोग ने एक हम लोग 45 मिनट जब आदमी नहीं लगता 45 मिनट के बाद 45 मिनट से एक घंटे के बाद जो है आपका जो है फायर ब्रिगेड वाला आया है। हमने हेडक्वार्टर में फोन किया है, उसके बाद की जा तब उसके यहाँ लोकल वाले को किया है और एक घंटे के बाद 45 मिनट बाद टोटल इंतजाम आया है। बहुत देर और आपके पुलिस गाड़ी तो पहले पहुंच गई थी। बताइए क्या टावर आप ही करते हैं? जी टावर हम इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं सर। क्या पता चला? नहीं अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन बोल रहे हैं कि टावर सेल्टर के अंदर से ही शॉर्ट सर्किट हुआ है। सेफ्टी यहाँ तो नहीं किया गया है जैसे बतला रहे हैं? कुछ नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है। नहीं सर, सेफ्टी जो हम लोग मशीन लगाए हुआ वही चल रहा था। ऑपरेटर तो एक रहना चाहिए। नहीं है ऑपरेटर, नहीं ऑपरेटर कंपनी हटाई हुई है और ना ही गार्ड है, कोई इंतजाम नहीं है। गार्ड भी नहीं है? नहीं है गार्ड, भी नहीं है गार्ड, पूरा पटना में हटाया हुआ है सर। टेलीकॉम लाइन से पूरा घनी आबादी है ना? जी जी सर, जहाँ पर इंसिडेंस है रहने वाला वहाँ पर तो एक तो वहाँ पर सबसे खतरनाक वही यही है। क्या आपने वहाँ अपने अधिकारी को सूचना दी है? हाँ सूचना दे दी है, ऑफिस से आदमी आ रहा है ना। एक मकान में है और मकान में जिस तरह जो बगल में टावर में आग लगी है उसके बगल में ठीक सटा हुआ ये मकान का दृश्य देखे तो और ही भयावह है। ऐसी स्थिति बन रही है कि अगर समय पर अगर तत्काल काबू नहीं पाया जाता तो यहाँ भी इस मकान में इस घर में भी भीषण आग लगती, भीषण त्रासदी होती। यहाँ का नज़ारा देखिएगा तो इनका जो छत है बिल्कुल कालापन आ गया है और यहाँ पर बगल में एसी है और साथ में यहाँ पर जब देखिएगा तो बिल्कुल काला आ गया है और धुआं से भरकर यहाँ पर ये तमाम है और यहाँ पर जब यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर एसी है तो आप समझ सकते हैं आग की कितनी भयावह थी। दूसरे मकान में जब मैं आया हूँ तो यहाँ का मुआयना किया हूँ तो यहाँ पर भी बिल्कुल काला है और इसके ठीक सटा हुआ ही टावर है। अब सोचिए ऐसी स्थिति में क्या टावर लगाने वाले कंपनी लापरवाही नहीं बरत रहे हैं? क्या ऑपरेटर रखना उनको ज़्यादा महंगा पड़ रहा था? क्या गार्ड रखना उनको ज़्यादा महंगा पड़ा? ये एक सवालिया निशान है क्योंकि इस क्षेत्र में घनी आबादी है और इस घनी आबादी में आग लग जाना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण होता है। यहाँ का जब दृश्य देखिएगा तो पूरा छत जो है काला हो गया है और इस धुआं से तमाम, लेकिन सुबह सुबह का समय है, अड़ले सुबह में लोग सोए हुए रहते हैं, तत्काल जब हो हल्ला हुआ तब इस पर भी काबू पाया गया, अन्यथा एक भीषण त्रासदी पटना सिटी में फिर देखने को मिलती।